आज हम बना रहे हैं ग्लव्स जो कि हमें माइक्रोवेव के लिए या ओवन के लिए चाहिए होते हैं। तो हमें इसके लिए कपड़ा चाहिए होगा और हमें यहाँ पे इसके लिए इस तरह की नायलॉन वाली बुकरम होती है वो चाहिए होगी। पहले हम इसको किसी भी पेपर पे अपने हाथ का साइज़ जो होता है उसी साइज से बना लेंगे। तो यहाँ हमारे पास इस तरह का कोई भी पेपर हो तो उसके उससे हम अपना हाथ का पहले साइज़ निकालेंगे। जो भी हमारे हाथ का साइज़ होगा उसी साइज़ से हम इस तरह का ग्लव्स तैयार कर लेंगे। तो यह हम इसमें आराम से हाथ भी चला जाएगा हमारा, इससे हम अपनी कोई भी गर्म चीज़ को आराम से पकड़ सकते हैं। चलिए फिर हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखें कपड़ा है हमारे पास, ये हम इसको साइड में रखेंगे और पहले हम यहाँ पे कोई भी पेपर हो उसके ऊपर इसको प्रेस करेंगे। तो यहाँ मैं अपना हाथ रख के इसको इस तरह से प्रेस कर रही हूँ। हमारा जो हाथ का साइज़ है उससे हम यहाँ पर तकरीबन एक एक इंच इसको इस तरह से बढ़ा लेंगे। तो यहाँ थोड़ा सा कलाई का एरिया भी रहेंगे हम। यहाँ पे हमने इसको इस तरह ट्रेस कर लिया है, अब यहाँ पे मैं इसको इस तरह कटिंग कर लूँगी। तो ये देखिए हमने इस तरह ही पैटर्न बना लिया है पहले। अब यहाँ पे हमें कपड़ा लेना होगा, तो इसके अंदर तकरीबन आधा मीटर कपड़ा यूज़ होगा। तो कपड़े को हम यहाँ पे इस तरह चार तरह में कर लेंगे। तो ये मेरा यहाँ इस तरह डबल है कपड़ा, अब इसको एक दफ़ा और फोल्ड करूँगी। अब यहाँ पे हमें जितना ये हमने पैटर्न बनाया है उतना बड़ा हम इसको इस तरह फोल्ड करेंगे। करने के बाद अब हम यहाँ पे इसको ट्रेस करेंगे। तो यहाँ पे इस ट्रेस करने के बाद यहाँ पे इसको इस तरह पिनअप कर लें ताकि कटिंग करने में आसानी हो। यहाँ देखिए एक पिन लगा लिए, इससे ये कपड़ा इसके साथ फिक्स होगी। अब यहाँ से हम इसको कटिंग करके निकाल लेंगे। तो यहाँ देखें सिलाई जितना मार्जिन छोड़ते हुए मैंने यहाँ पे इसको कटिंग करके निकाल लिया है। अब ये इस तरह की नायलॉन वाली बुकरम आती है तो यहाँ पे हम इसको यूज़ करेंगे ताकि ये अंदर से वार्म रहे, हमारा हाथ जले ना। यहाँ पे इसको भी मैं इस तरह डबल करूँगी और डबल करके इसके बराबर बिल्कुल कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ देखिए हमारी कटिंग हो गई है। अब ये दोनों के बीच में एक एक को रखना होगा हमें। तो यहाँ पे हम पहले इसको इस तरह से यहाँ पे सिलाई लगा लेते हैं ताकि ये इसके साथ फिक्स हो जाए। तो अभी यहाँ इसको पिनअप कर लेती हूँ मैं। तो जिस तरह हमें एक तैयार करना होगा बिल्कुल इसी तरह से हम ये दूसरा वाला भी तैयार कर लेते हैं। तो अभी यहाँ पे हमें इस तरह से इन दोनों को सिलाई लगानी होगी। तो यहाँ देखें हम इस तरह इसको रखेंगे, बुकरम हमारी नीचे होगी और ये दोनों सीधे साइड होंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें इसको सीना होगा। यहाँ देखें सबसे पहले हमने इसके ऊपर से सिलाइयाँ लगा दी हैं यहाँ से। अब यहाँ से हम इसको इस तरह से कर लेंगे और यहाँ से भी इसको सिलाइयाँ लगा के। तो यहाँ पे मैं इसको पिनअप कर लेती हूँ और पिनअप करने के बाद फिर इसको दोनों को एक साथ रख कर सीऊँगी। तो इसका दूसरा वाला साइड हम इसके ऊपर रखेंगे यहाँ इस तरह से और इसको सारे में यहाँ पे पिनअप कर लेंगे। तो यहाँ थोड़ा थोड़ा गैप देते हुए हम इसको पिनअप कर लेते हैं। यहाँ अब हम यहाँ पे इस तरह से सिलाई लगाएंगे, पूरे में एक तरफ से स्टार्ट करेंगे और पूरे में यहाँ तक घुमा के ले आएंगे सिलाई को। तो यहाँ इस तरह इसमें सिलाई लगाने के बाद हमें यहाँ पे जो एक्स्ट्रा इसकी बुकरम नज़र आ रही है इसको कटिंग करके निकाल देंगे हम। और यहाँ पे जो हमारा अंगूठा होता है जहाँ पे ये कॉर्नर बनता है यहाँ पे कट लगाऊंगी, बहुत एहतियात के साथ कट लगाना है। तो इस तरह हमारा ग्लव्स बनके तैयार है, अब हम इसको सीधा कर लेते हैं।
तो ये देखें इस तरह हमारा ग्लव्स बन के तैयार है और इसकी सिलाइयाँ भी देखें यहाँ से अंदर की तरफ चली गई हैं। तो जिस तरह मैंने एक तैयार किया है इसी तरह आप दोनों भी बना सकते हैं।